सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत फ्रेंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करना है डायनामिक आइसलैंड एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और किस प्रकार से अपने एंड्रॉइड फोन में आप किस प्रकार से डायनेमिक आइसलैंड कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते स्टार्ट और जान लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है डायनेमिक आइसलैंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आप जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके स्क्रीन शॉट भी दिखा देता हूँ कैसे आप जब इसे अप्लाई कर देंगे तो कैसे यहाँ पर डायनेमिक आइसलैंड आपका जो होता है आपके एंड्रॉइड फोन में कैसे लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो मेरे में कोई भी डायनेमिक आइसलैंड नहीं लगा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो इसके एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना और इसे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टर्न ऑन आपको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन डिस्प्ले कैसर एंड अबाउट, यहाँ पे कई ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एसेसिबिलिटी टर्न ऑफ कर देना है, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक आइसलैंड का। तो आप जैसे इस पर टैप करेंगे तो आपका जो डायनेमिक आइसलैंड है आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाता है, यानी अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ऊपर देख सकते हैं मेरा जो डायनेमिक है आइसलैंड है यहाँ पे जो है जो यहाँ पे लग चुका है। जैसे अब सेम आप जो आईफोन 14 की तरह यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डायनेमिक आइसलैंड है यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, अब यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे आप जो इसमें नोटिफिकेशन कैसे यहाँ पे जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे फीचर आपको मिल सके, जैसे आईफोन 14 यहाँ पे मिल रहा है तो आपको कैसे यहाँ पे फीचर को यहाँ पे लेना है। तो इसके लिए फ्रेंड आप जितने भी नोटिफिकेशन होता है सबको यहाँ पे ऑन कर देना, यहाँ पे इसका जो है परमिशन दे देना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना, फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो इस पर जब करेंगे तभी आप जब का जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे जो आइसलैंड है ऊपर इसमें आपको शो होगा। तो आपको इस पर टैप करके यहाँ पे कर देना होगा। तो चलिए हम बैक आते हैं, इस पर करने के बाद फिर यहाँ से बैक आते हैं, फिर इस पर टैप करने के बाद ही यहाँ पे जो है इनेबल होगा। फिर यहाँ पे इस पर टैप करेंगे तो आपको इसमें इस एप्लीकेशन का जो है आपको जो है परमिशन दे देना होगा। देने के बाद फिर से आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना होगा। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे टैप करके यहाँ पे प्रीमियम, लेकिन इसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे जो अलग से फीचर यहाँ पे दिए जाते हैं कुछ रेटेड होते हैं तो तभी आप जो इसका यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे सेम जो है आईफोन 14 की तरह आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे जितने भी फीचर होते हैं। बट यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे फीचर आपको जो है बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे नीचे देख सकते हैं डिस्प्ले का जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ फ्रेंड यहाँ पे आपका जो है आइसलैंड है इसे आप जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे छोटा बड़ा मोटा चौड़ा जैसे भी करना चाहते हैं आप जो इसे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसका जो हाइट है ऊपर नीचे जितना भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे जो है एडिट कर सकते हैं, इसे आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो भी नोटिफिकेशन का जो भी यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया, यहाँ पे कोई भी फ़ोन वगैरह कोई भी मैसेज आता है यदि आपका तो आपके इस आइसलैंड पे आपका जो इनेबल हो जाएगा फ्रेंड, और इसे आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी करना बड़ा आसान है तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रीमियम भी ले सकते हैं, तो प्रीमियम लेके यहाँ पे अलग से जो फीचर मिल जाते हैं सारे फीचर का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैक आते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ से कोई भी मैसेज वगैरह कुछ भी आएगा तो यहाँ पे हमारे जो आइसलैंड है ऊपर इसमें सब कुछ शो हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो सेम इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे और यहाँ से आप जो डायनेमिक आइसलैंड लगा सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।